लगा था मेरे को। हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज इमरान खान एंड लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी ऑफ द एलन वेक रिमास्टर। तो लास्ट वॉक थ्रू में हमें मिरर स्पीक तक पहुंचना था, वो हमारा टास्क था। तो हम घोस्ट टाउन को क्लियर करते हुए वहाँ पे मतलब डार्क पीपल से फाइट करते हुए यहाँ सिल्वर माइन तक पहुँचे। तो अभी तक तो काफ़ी मतलब डिफिकल्ट रही है फाइट वहाँ पर। और पहाड़ों में हमने मतलब घोस्ट टाउन में काफ़ी सारे डार्क पीपल से फाइट की और पहाड़ों पर भाई खतरनाक रैम पे चलते हुए यहाँ तक पहुँचे हम लोग। तो अभी गेम काफ़ी डिफिकल्ट होती जा रही है, इसलिए और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और आप अगर आपको मेरे साथ से तो आपको भी मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल और बेल आइकन को भी दबाजिए ताकि हम कोई नया गेम प्ले वॉक थ्रू अपलोड करते हैं अपने चैनल पर तो आपको सबसे पहले नोटिफाई हो जाए। और इसके साथ एक भाई एक अच्छी गुड न्यूज़ भी है कि भाई रेमेडी गेम्स ने अनाउंस कर दिया है कि एलन वेक पार्ट 2 भी आने वाला है 2023 में। भाई आफ्टर 10 ईयर्स फाइनली मतलब एलन वेक का सिक्वल मिलने वाला है हमें। ओ भाई साहब मजा ही आ गया। 2010 में आई थी एलन वेक और अभी 2023 में आएगी पार्ट 2। तो अभी चलो स्टोरी आगे कंटिन्यू करते हैं और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। ओके क्या करना है यहाँ पे? अच्छा एलिवेटर को सेट करके आगे रास्ता बनाना है। ऑल राइट चलो अभी चलते सामने। ओ बच गया, ऑलमोस्ट वहां पे गिर गया था मैं। यहाँ से मशीनरी यूज कर लेते हैं और अब कैसे जाया जाएगा? ये तो ऐसे घूम गया। मतलब यहाँ से उस साइड पे जाना है और फिर वहाँ से कुछ होगा। चलो ट्राई करते हैं, और तो कोई मुझे रास्ता नज़र नहीं आ रहा है तो ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। कूद जा एलन आलसी के बच्चे। अभी अच्छा वहां पर पहुंचना है हमें कि यहां से अंदर से रास्ता है देखना पड़ेगा। नहीं यहां से तो रास्ता नहीं है, मतलब चेक कर लेते ऊपर चढ़ के। हाँ गेम अभी और भी कितनी ज्यादा मजेदार होती जा रही है यार, बहुत मजा आ रहा है मेरे को ये गेम खेलने में। अच्छा तो यहाँ से इसको और ऊपर लाके फिर वहाँ पर जाना है और फिर ओके फाइन। यार सोच कर ही मेरे को वाला इतनी एक्साइटमेंट है कि यार एलन वेक ये 2010 में आई थी, इसका रिमास्टर किया, फिर भी यार ये गेम के ग्राफिक्स और इतना मस्त दिख रहा है यार। तो इमेजिन के भाई पूरे नए नाम से मतलब फ्रेशली बनाई हुई एलन वेक 2 के यार क्या ग्राफिक्स हो गया यार, क्या मजा आएगा। मतलब आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके ये गेम को बनाए गए तो यार इमेजिन बॉयज इमेजिन, इट वुड बी सो मच फन। यार किडनैपर्स ने हमें कोलमैन बुलाया था पर किसी वजह से वो वहाँ पे पहुँच नहीं पाया। यार क्या चल रहा है यार, ये तो घुमा फिरा रहा है यार किडनैपर, ना एलिस का पता है, अब बोल रहा है मिरर स्पिक पर आओ। अरे क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ से नहीं जाने। व्हाट एम आई डूइंग, अब यार डॉल्बी एटमॉस्फेयर एडवांस मैंने ऑन कर रखा है यार, क्या मस्त साउंड आ रही है, मतलब पूरा मजा आ रहा है, अभी फील दे रहा है पूरा 3D वर्चुअलाइज 3D ऑडियो।
डेफिनेटली वर्थ है यार। ऑसम ऑसम, चेक पॉइंट रीच। चलो चेक पॉइंट मिल गया। एक भी बार हमने वहां से गिरे बिना सक्सेसफुली क्लियर कर लिया। लग तो रहा था कि एक आध बार गिरूंगा, बट नहीं, बच गए हम लोग। इतनी सही साउंड आ रही है ना भाई, मतलब पूरी मेटल साउंड, वुड की, मतलब ऐसे साउंड जो डिफरेंशिएट हो रही है, एलन के फुटस्टेप, हवा चल रही है, मतलब पूरा टोटली, मतलब अलग अलग फील हो रहा है, फील दे रहा है कि अपने वहां पर है। मतलब डेफिनेटली वर्थ है, अगर आपको इंटरेस्ट है खरीदने में तो खरीद सकते। आई लाइक इट सो मच, स्पेशली पबजी या कोई कॉम्पिटिटिव गेम खेलते हो ना तो भाई बहुत सही है डायरेक्शनल ऑडियोज के लिए। ओ नो, क्लोज आ गया। मार डालूंगा, एक भी कौवे को नहीं छोड़ूंगा मैं यार। रीच मिरर स्पीक लुक आउट, कितनी दूर है और यहाँ पर क्या है, जनरेटर है ये? एक और चेक पॉइंट मिल गया, ऑसम, बढ़िया। और दोस्तों एक और केबल कार मिल गई है और हम यहाँ पे मरने वाले हैं। पिछली बार जब हम केबल कार में चले चढ़े थे तो पता था क्या हुआ था भाई, क्रोज ने अटैक करके पूरी बैंड बजा दी थी। इस बार भी लगता है और भी, अब तो और भी बुरा होगा, और भी भयानक तरीके से मरेंगे हम। फीलिंग आ रही है मेरे को अंदर से। यार अभी पूरा पता चल रहा है पूरा कि कहां से क्रोज आ रहे हैं पूरा। मस्त है यार ये साउंड। कितनी दूर है यार, जल्दी करो जल्दी करो। गए गए, वी आर सो डेड। मरे मरे, टूटी क्या? ओ नो, ओ अरे बच गए बच गए। भैया जो तुम्हारी कमी थी, आ जाओ। यार इसकी फाइट इतनी सेटिस्फाइंग है ना यार, बहुत मस्त फाइट। ओके ऑलमोस्ट यार, एक दो फुट की इंच से हम लोग बच गए यार, नहीं तो सीधा अपने पे गिरता और मर जाते हम। पागल है क्या ये जो भी कर रहे हो? किडने पर बस एक बार हाथ लग जाए, छोड़ूंगा नहीं उसको। कितनी दूर है यार ये मिरर पिक। अरे नहीं, ब्लैक स्मोक फिर से। अरे रुक तो जा, चीटिंग है ये तो, मेरी गन तो रिलोड होने दो। यार गन भी पिकअप नहीं की तो इन लोगों ने अटैक कर दिया मेरे, ये क्या बात हुई?
क्या हो गया, वो कैसे मर गया अचानक? यार ये सबसे मुश्किल जो इनके अटैक्स होते हैं ना, ये जो चीजें फेंक कर मारते हैं ना भाई, इसको ब्लॉक करना बहुत मुश्किल है। सबसे टफ अटैक यही है। अरे चढ़ जा मेरे दोस्त, कुछ काम का नहीं है यार एलन, तू कहीं में कुछ काम का नहीं है तू। ओके ओके, उस पर भागना नहीं है, धीरे धीरे चलते हैं। प्रिपेयर रहना चाहिए, मेरे को लग रहा है कि गड़बड़ होगी यहाँ पे। क्या हो रहा है? ओ नो, दोनों साइड, दोनों एंड से आ गए। अरे मार दिया। डाई डाई डाई, मर जाओ मर जाओ। यहाँ पर एरोस दिखा रहे, मतलब कहीं पर क्लोज चेस्ट है जिसमें एमो, फ्लेयर गन कुछ भी मिल सकता है। ओके ये रही, बहुत बढ़िया, ले लेते हैं। ये चाहिए, ये चाहिए, आने दो आने दो, एमो आने दो, गन आने दो, सब दे दो हमको, सब कुछ एक साथ। ओके ब्रिज तो टूटा हुआ है, यहाँ से चलते। एक और मैन्यूस्क्रिप्ट मिल गई, ले लेते। दो ही फ्लेयर गन है अपने पास, देखते हैं। क्रॉस द माउंटेन रूनस, ओके चलो, भागता नहीं कम से कम, इसमें ताकत तो है कि चीजों को गिरा दे, तोड़ फोड़ दे। गुड गुड एलन गुड। ये कैसी आवाज थी यार? गेट ब्लॉक है, और कोई रास्ता होना चाहिए यहाँ पे। ओके यहाँ पे बेसमेंट जैसा कुछ। केक, अरे नहीं यार, टाइट प्लेसेस नहीं यार। टॉम टॉम, आई मिस यू टॉम। कौन है टॉम? आई मिस यू टॉम, डिड यू राइट दिस? हेलो, टाइट प्लेसेस में डर नहीं लगता, मतलब ऑफ कोर्स हॉरर गेम में थोड़ा बहुत तो डर सभी को लगता है, बट फाइट करना यार बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि इतना डार्क होता है ना, कुछ नजर नहीं आता।
यार ये पार्टिकल्स उड़ रहे हैं यार, कितने मस्त दिख रहे हैं यार, एकदम पूरा 3D। और मैंने मॉनिटर का ब्लैक इक्विलाइजर को भी पूरा मतलब कम कर रखा है ताकि ये थोड़े अच्छे डार्क एकदम पीच ब्लैक दिखे, बट स्टिल एकदम डीप ब्लैक्स तो ओलेड में ही होते हैं, ये IPS पैनल है तो, बट स्टिल यार काफ़ी डार्क लग रहा है। ओके इतनी सारी चीजें मिल रही है, देख लेते हैं सब कुछ। रिलोडेड तो है मतलब, नहीं तो फिर पता चलेगा भाई एनिमी अटैक कर रहे हो और हमारा एलन भैया गन रिलोड ही करता रह गया और हम मर जाए। क्रोस तो नहीं आएंगे क्या? पूरा ओपन एरिया है ऊपर, आवाज तो आ रही है क्रोस की मेरे को राइट साइड से। अरे बाप रे, ये तो पूरा कभी भी टूट सकता है। अरे यहां से नहीं जाऊंगा मैं, नो लगा था मेरे को। पहले मिनियंस को मारते यार। अरे नहीं, फ्लेयर गन वेस्ट कर दी मैंने। शिट यार, मेरे को लगा हाथ में। कहाँ गया? दो थे ना ये जाइंट्स। अच्छा उधर ही। अरे यार ऑलमोस्ट मैस्ड अप हो गया था। अच्छा है कि अपने पास एक फ्लैश बैंग था तो बच गए। यार नीचे इतने सारे गोस्ट के बीच में फेंक दिया यार, गलत बात है, गलत बात ही है। जंप कर लो यहाँ से, क्रॉस द माउंटेन रूनस। अब यहाँ से नीचे could make out the spot where the island and the cabin had been. There was a light near it. It had to be a boat. नीचे लेक में बोट तो नजर आ रही है। रीच द मिरर स्पीक लुक आउट। यही है क्या? ऑलमोस्ट पहुंच गए क्या हम लोग? I was close now. I had to get अरे there fast. मैनुस्क्रिप्ट पढ़ी है, ले लेना। What I would find. Yep, that's Hey? me. Hey, I'm here. I'm coming. No, get away. Sorry, please leave. क्या हो रहा है ये? क्या चल रहा है? I'm sorry.
अच्छा तो ऐसा लग रहा है कि किडनैपर को मतलब वो जो क्रीपी लेडी थी ना मास्क वाली, आई थिंक उसने उसे पजेस्ट करके उससे सब कुछ कराया, मतलब एलिस तो डूब गई ऐसा कुछ है समथिंग। क्या चल रहा है यहाँ पे? किडनैपर तो ये रहा है। गया भाई, इसे तो स्मोक में खींच लिया, टॉर्नेडो में गया ये तो। अरे वाह, फ्लेयर गन तो जला ली, बट स्टील यार गया ये तो, लेक में गया एलन सीधा। ओ माय गॉड, कितने पेजेस लिखे हैं यार, कितनी कितने सारे पेजेस पढ़े थे वहां पर, कितनी लंबी स्टोरी लिखी इसने। ओके, प्रीवियसली ऑन एलन वेक, एपिसोड 3 पूरा हो गया फाइनली। Telling me that writer just took out my deputies? A thriller I supposedly wrote is coming true. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I was told that Alice had been kidnapped, but that was a lie. We don't have his wife. We don't know where she is. Her purported kidnapper was eaten up by the kidnapper को possess या manipulate करके मतलब उससे सब कुछ करवाया है, मतलब अभी एलिस का तो पता नहीं कहाँ है, जिंदा भी है कि नहीं है। Baby, it was just a nightmare. ये तो एलिस ही है। Alice. There you are. Hartman, I fell. I had to give you a sedative. Don't fight it. You went through another rough period. What? Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. You're a patient at my clinic. Have been for a while now. The shock of your wife's death triggered a mental illness. No, you lie. You're suffering from various symptoms of undifferentiated schizophrenia. Bastard. It's okay, Alan. Just let go. लेक से इसे बाहर किसने निकाला, यहाँ पर कैसे पहुंचा ये? I felt groggy. Whatever Hartman had bumped in me was making me numb. I felt like this was happening to someone else. Someone I was watching on television. I couldn't think. Couldn't focus. There were only empty sheets of paper here. No manuscript pages. क्या चल रहा है यहाँ पे? Good evening, Alan. Are we feeling better now? Feeling calm? Yeah. I see you brought your pet gorilla with you. So sure, I'm calm. I get the message, loud and clear. Why, right. That's the spirit? You're being very brave, Alan. I understand you're confused. I would be more concerned if you weren't suspicious of me. I don't blame you for it. Big of you. Now, why don't you come with me? We'll reacquaint you with my clinic and go over everything you might have forgotten. Little walk and some fresh air? Yes, it will do you good. Follow the Dr. Hartman. Okay, दोस्तों तो हम Alan Wake Remaster के gameplay walkthrough को यहीं पर stop करते हैं यार, अभी तो game और भी interesting होती जा रही है। और या तो अभी हमें पता भी चल गया है कि भाई जो kidnapper था यार, वो तो मतलब उसे तो मतलब वो क्रीपी लेडी ने यार पजिस्ट करके सब कुछ करवा रही थी, और एलिस का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं। तो बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।